हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सेलेंस क्लासेस। आई एम मोहित पंत। हम क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे और अब तक का 10th क्वेश्चन की सीरीज हो गई है। आज ये 11th लेक्चर है। चलिए इसे शुरू करते हैं। अच्छा, अभी तक का हमने जो लास्ट लेक्चर में 244 का क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम शुरू करेंगे 245 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 245। क्वेश्चन है कि आपको एक वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है, V इक्वल टू कितनी है, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी माइनस 15। ठीक, तो बोला है वोल्ट, वोल्टेज गिवन बाय V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी माइनस 15 डिग्री। वोल्ट्स इज अप्लाइड अक्रॉस एन एसी सर्किट। इफ द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 10 डिग्री, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट Im, द इक्वेशन ऑफ द करंट विल बी। ठीक है, देखो करंट जो इक्वेशन है IT, करंट जो है 10 डिग्री लीड करे, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी Im साइन ओमेगा टी। वोल्टेज से 10 डिग्री आगे है, तो जो उसकी वेवफॉर्म की इक्वेशन है ओमेगा टी माइनस 15, इससे 10 डिग्री आप इसमें और ऐड कर दोगे, क्योंकि 10 डिग्री ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अगर ये कर रहा होता लैग, तो यहां पे हम ऐड करके क्या जोड़ देते, माइनस साइन जोड़ देते, बट ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, सॉरी लीड कर रहा है, तो प्लस साइन जोड़ लिया, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा Im साइन ओमेगा टी माइनस 15 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 246। बोला है कि एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज सेम कितना, 2 Im बाय पाई होता है। ठीक है, साइन सोल्ड का अगर देखो, अगर आप ये अगर आप इसको दो 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 फॉर्मूले हैं, अगर आप देखो, अगर आप हाफ वेव के लिए निकालते हो तो वो आता है Vm बाय पाई आता है, लेकिन अगर हम फुल वेव के लिए निकालते हैं, साइन वेव के लिए निकालते हो, कितना 2 Vm बाय पाई आता है, तो इसका सॉरी 2 Im बाय पाई आता है। तो 246 का आंसर कितना हो गया, सी हो गया, 2 Im बाय पाई हो गया। सर क्वेश्चन नंबर 247, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 3 हेनरी एंड 12 हेनरी एंड कॉफिशियंट ऑफ कपलिंग 0.85, हमें बताना है इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 247 का क्वेश्चन है। 247 का क्वेश्चन है M इज इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है, K इन टू अंडर रूट 11 इंटू L2, तो K कितना है हमारे पास 0.85 और L1 कितना है 3 इंटू, और ये 12 हो गया, तो 0.85 तो 12 36 6 आ जाएगा, कर ले मतलब 30 3 48 51 1.5.1 इसका आंसर हो गया। 5.1 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो 247 का आंसर कितना हो गया, बी वाला। ये क्वेश्चन है 248। आज थ्री फेज थ्री वायर सप्लाई फीड्स अ बैलेंस स्टार कनेक्टेड रजिस्टर, इफ वन ऑफ द रेजिस्टर डिस्कनेक्टेड द परसेंटेज रिडक्शन इन द लोड इज विल बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बहुत बार आता है। ठीक, इसको क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या है, थ्री फेज बैलेंस स्टार लोड है आपके पास। ठीक है, तो एक आर हो गया और ये आर हो गया। ठीक है, थ्री फेज लोड है हमारे पास, बैलेंस लोड है। यहाँ पे हमारे पास होगी लाइन वोल्टेज और यहाँ पे हमारी क्या होती है, फेज वोल्टेज होती है, और सबकी वैल्यू कितनी है, आर है। ठीक है, अभी बोल रहा है अगर एक डिस्कनेक्टेड हो गया तो परसेंटेज पावर जो रिडक्शन है वो आपको 50% आ गया। अच्छा, अब सब सारे ये लगे हुए हैं तो कितनी पावर की निकाल लेते हैं। तो जब सारे लगे हुए हैं, एक की पावर कितनी होगी, सिंगल फेज की पावर हो जाएगी वीपी का स्क्वायर अपॉन आर। टोटल थ्री फेज की कितनी हो जाएगी, 3 वीपी का स्क्वायर इंटू आर। और लाइन वोल्टेज हमें निकालना है तो क्या हो सकता है, इस रूट थ्री को अंदर ले आओ, थ्री को रूट थ्री में अंदर ले आते हैं, तो रूट थ्री वीपी का होल स्क्वायर अपॉन आर। तो रूट थ्री इंटू वीपी स्टार कनेक्टेड में, स्टार में रूट थ्री इंटू फेज वोल्टेज क्या होती है, लाइन वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन आर आ गया। तो ये टोटल थ्री फेज की पावर इतनी होगी, वी एल स्क्वायर अपॉन आर हो गई है। अब हुआ क्या है, ये तो केस वन हो गया। अब क्या बोल रहा है कि एक चीज यहां से हट गया, यहां से लोड हमारा हट चुका है यहां से, तो अब इस केस में कितनी पावर होगी और कितना रिडक्शन आएगा, तो निकालते हैं। अगर एक हो गया, देखो दो ही
रजिस्टर बचे हैं आर और आर, और दोनों के आपस में सीरीज में आ रहे हैं, और इन दोनों के क्रॉस कंबाइन जो वोल्टेज आ रही कितनी आ रही, वीएल आ रही है। तो कुछ ऐसे बन जाएंगे, देखो 2R और वोल्टेज कितनी आ रही है वीएल। तो अभी मिलके कितनी पावर ले रहे हैं, मान लो पावर है थ्री फेज रेस लिख देता हूं, ये भी वीएल का स्क्वायर अपॉन 2R। तो अब निकालते हैं कितना पावर रिडक्शन हो जाता है, तो परसेंटेज निकालते हैं एक्चुअल पावर। अभी कितनी पावर आई है, अभी कितनी हमारी पावर आई है, ठीक है, और पहले कितनी न्यू पावर माइनस ओल्ड पावर अपॉन ओल्ड पावर इनटू 100। कितना परसेंटेज रिडक्शन निकाला ना मैं, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड। तो न्यू कितनी है वीएल का स्क्वायर अपॉन 2R, पुरानी कितनी है वीएल का स्क्वायर अपॉन आर अपॉन वीएल का स्क्वायर अपॉन आर हो गया। तो वीएल वीएल स्क्वायर सर कैंसिल अपॉन आर कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 1/2 - 1 इंटू 100, कितना 1/2 × 100 × 100 -50%। तो 50% रिडक्शन आया हुआ है, मतलब ये 50% पावर घट भी गई है, और आपको दिख भी रहा होगा क्योंकि देखो पहले कितनी थी वीएल बाय वीएल स्क्वायर बाय आर थी, अब कितनी है वीएल स्क्वायर बाय 2R हो गई। तो इसके नाते इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट 249 क्वेश्चन है, इफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज ओमेगा, अगर आपकी जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है सिंगल फेज की उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ओमेगा है। क्वेश्चन नंबर ये है 249, फ्रीक्वेंसी कितनी ऑल्टरनेट फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो बताना है कि इंस्टेंटेनियस पावर की जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, सिंगल फेज की जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2 ओमेगा होती है। कितनी होती है 2 ओमेगा, मतलब अगर वोल्टेज की साइकिल एक सिंगल आ रही है तो जो पावर की साइकिल है वो ऐसे में 4 बार रिपीट कर देती है अपने आप को। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, मतलब 2 बार, ये जितने में इसकी एक साइकिल ये साइकिल आती है, पावर की साइकिल ये ऐसे में 2 बार आ जाती है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन फ्रीक्वेंसी कितनी आती है डबल। तो उसका आंसर कितना हो गया 2 ओमेगा, तो 249 का आंसर हो गया ए वाला। अच्छा अब है 250 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 250 बैलेंस थ्री फेज लोड, लाइन करंट इज 12 एम्पेयर, लाइन करंट की तरीके आपको 12 एम्पेयर गिवन है, और आपने 2 वॉट मीटर मेथड का इस्तेमाल करके वो किया, इस्तेमाल किया है, एक वॉट मीटर जो पावर मेजर कर रहा है वो 100 वॉट है, दूसरा मेजर कर रहा है 0, तो पावर फैक्टर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 250, इसको आप डायरेक्टली ही याद कर सकते हो, अगर आपका ये मेजरमेंट में एक चार्ट पेपर चार्ट होता है उसमें सब लिखा होता है कि अगर एक की पावर 0 है नेगेटिव है जो भी आ रही है उस केस में कितना होता है। वैसे हम इसको डायरेक्टली फॉर्म में फॉर्मूला बेस से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगाना डायरेक्टली, हमें निकालना है पावर फैक्टर। तो 240 क्वेश्चन है, तो पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, और फाई निकालने का बेस्ट फॉर्मूला होता है टेन फाई इज इक्वल टू √3 × W1 - W2 / W1 + W2। टू वॉट मीटर मेथड का फॉर्मूला होता है, उसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब एक तो मेजर कर रहा है, एक की 0 है, तो मान लेते हैं डबल ये ओमेगा 2 0 हो गई, तो अगर ये 0 हो गई तो ये ऐसा हो गया, ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो गया, तो 10 फाई इक्वल टू कितना √3 आ गया, तो फाई √3 का होता है 60 डिग्री पे, अब आप 60 डिग्री पुट कर लो, cos 60 कितना होता है 1/2, मतलब 0.5, तो 250 का कितना आंसर हो गया 250 का आंसर हो गया बी वाला, ठीक हो गया, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है 251, गीजर है, गीजर की सप्लाई वोल्ट, गीजर कनेक्ट करा है आपने 230 वोल्ट, 50 CS, CE मतलब होता है साइकिल पर सेकंड, ये साइकिल पर सेकंड क्या डिनोट करती है आपका हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी। अब पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर कितनी, अगेन वही क्वेश्चन है, इससे जस्ट एक पहले क्वेश्चन किया था ओमेगा 2 ओमेगा, अब यहां पर उसने वैल्यू आपकी गिवन है 50 CS/s, मतलब 50 Hz गिवन है, तो इंस्टेंटेनियस पावर कितनी जाएगी ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी जाएगी 100 Hz हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो गया 251 का आंसर हो गया 100 C/s, 100 cycles/s और 100 Hz, तो 251 का आंसर कितना हो गया, 251 का आंसर हो गया सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट 252 क्या बोल रहा है, एम्पेयर सेकंड, एम्पेयर होता है करंट
और सेकंड हो गया टाइम, तो एम्पेयर इंटू सेकंड मतलब आई इंटू टी, ये किसका यूनिट होती है, होती है चार्ज की यूनिट, किसकी होती है चार्ज की। इसका आंसर कितना, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी वाला। आज एक 253 क्वेश्चन है, एक सीरीज आरएलसी सर्किट है हमारे पास, आर है और ये एल है, ठीक है, आर और एल, आर के क्रॉस वोल्टेज गिवन है 3, एल के क्रॉस वोल्टेज गिवन है 4, तो सप्लाई वोल्टेज निकालने, बहुत सारे क्वेश्चन सप्लाई वोल्टेज होती है आपके अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, तो वी आर कितना हुआ, वी आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 9 25, 25 का रूट कितना होता है 5 वोल्ट, तो इसका आंसर कितना हो गया 5, ऑप्शन नंबर डी। 253 का आंसर हो गया डी वाला। अब है 254, 254 क्या बोला है, देख जल्दी देखते हैं फटाफट से। आपको सीरीज आरएलसी सर्किट गिवन है, आर के क्रॉस वोल्टेज दे रही है 3, एल के क्रॉस दे रही है 14 और सी के क्रॉस दे रही है 10 वोल्ट, और पूछा है इनपुट वोल्टेज कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, वी इक्वल टू अंडर रूट सीरीज आरएलसी फॉर्मूला होता है वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, तो वी आर कितना गिवन है आपको देखते हैं, वी आर गिवन है आपको 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया है, वी एल कितना गिवन है 14 और वी सी कितना गिवन है 10, तो 14 माइनस 10 कितना हो गया भाई 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 अगेन 25, 25 का रूट कर लो कितना, क्या आंसर था 5, तो 254 का भी आंसर कितना हो गया 5 ही हो गया। अब है 255, इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट अ सिंगल फेज सीरीज आरएलसी फेड बाय वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस वैल्यूज आर 4 ओम इन दिस केस, तब क्या होगा, हमें निकालना कितना लैग करेगी और कितना आपका करंट लीड करेगी। देखो पहले तो आपकी बात सुनते हैं, हमारे पास आरएल सर्किट है, ठीक है, ये आर है और ये एक्स है, इसका दोनों लोग कभी भी अगर आर इक्वल टू एक्स होता है तो फाइ एंगल होता है 45 डिग्री, और कॉस 45 कितना हो जाता है 1/√2 मतलब 0.70, सेंस को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप फॉर्मूलेशन कर सकते हो, कॉस फाइ इक्वल टू होता है आर बाय जेड, आर बाय जेड हो गया आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो जब ये बराबर हो जाएंगे तो सॉल्व करके 1/√2 आ जाएगा, यहां से फाइ की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, ठीक है, तो आपका एंगल, तो ये बीच का एंगल वी और आई के बीच का एंगल 45 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है करंट लीड करेगी लैग करेगी, ऑब्वियस बात है आरएल सर्किट है, इंडक्टर है, इंडक्टर में करंट क्या क्या, क्या करेगी, लैग करेगी, तो इसका आंसर कितना होगा करंट लैग बाय बाय वोल्टेज बाय 45 डिग्री। जब आर इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है, भले ही अगर वो आरसी सर्किट हो या आरएल सर्किट हो, अगर आर इक्वल टू एक्स है तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना हो 45 होगा। अब अगर वो आरएल है तो करंट क्या करेगी, लैग करेगी, अगर वो आरसी होता तो करंट लीड कर जाएगी, लेकिन एंगल दोनों केस में क्या रहेगा 45 रहेगा जब अगर आर इक्वल टू कितना है एक्स है, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया बी वाला। नेक्स्ट है 256, एक टैंक सर्किट क्या होता है, टैंक सर्किट कुछ नहीं होता है, एक प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर को जब हम पैरेलल में ऐसे जोड़ देते हैं, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, इसको ऑक्सीलेटर भी बोलते हैं एक तौर से, एलसी ऑक्सीलेटर, तो प्योर एल और सी को अगर हम पैरेलल में जोड़ देते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, टैंक सर्किट बोलते हैं, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 256 का आंसर हो गया डी वाला। अब है 257, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ सिंगल फेज आरएस सिंगल फेज सीरीज सर्किट सप्लाइंग आरएल लोड फ्रॉम अ साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स हैज इन ईच साइकिल, जो हमारा सिंगल फेज पावर होती है उसका जो एक फेज डायग्राम होता है पावर का, वो ऐसा डायग्राम होता है, ठीक है, मतलब अगर आपकी वोल्टेज की एक साइकिल ऐसी है तो जो पावर होती है दो बार हमारी पॉजिटिव होती है, दो बार हमारी क्या होती है नेगेटिव होती है, और चार बार वो क्या होती है जीरो जाती है, 1, 2, 3, 4, तो बोलोगे जीरो कितनी टाइम्स हो रही, जीरो होती है 4 टाइम्स, पॉजिटिव कितनी रहती है 2 टाइम्स, और नेगेटिव साइकिल कितनी होती है 2 टाइम्स। नेगेटिव का पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर कॉन्सेप्ट ये होता है कि पॉजिटिव केस में लोड पावर को एब्जॉर्ब करता है और नेगेटिव केस में वो पावर को रिटर्न कर देता है, ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन पूछा है कि पॉजिटिव जो आपके सिंगल फेज लोड की जो पावर की साइकिल्स होती हैं उसमें क्या होता है, आप बोलोगे
कि नेगेटिव्स दो बार हो रहा है और जीरो फोर टाइम, तो ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है, नेगेटिव ट्वाइस एंड जीरो फोर टाइम्स। तो 257 का आंसर कितना हो गया, 257 का आंसर हो गया ए वाला। नेक्स्ट है 258 वाला। अब 258 क्या बोल रहा है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्म निकालना है। तो Q इक्वल टू कितना होता है, Q होता है इक्वल टू 1 अपॉन R अंडर रूट L बाय C। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला इसको आप लर्न कर सकते हो, Q इक्वल टू 1 अपॉन R अंडर रूट L बाय C। पैरेलल का इसका उल्टा जाता है, पैरेलल होता है R इंटू अंडर रूट C बाय L हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 250 का आंसर हो गया ए वाला। नेक्स्ट है 259 क्वेश्चन देखते हैं, 259 का क्या आंसर होगा। 259 है, हमें निकालनी है एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, और वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है। ठीक है, वोल्टेज और करंट दोनों हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन है। तो कॉम्प्लेक्स पावर का जो फॉर्मूला होता है वो हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वी फेजर इंटू आई फेजर का कॉन्जुगेट। वी फेजर इंटू आई फेजर का कॉन्जुगेट होता है। इसमें दो पार्ट आते हैं, एक आता है रियल पार्ट और एक आता है इमेजिनरी पार्ट। जो रियल पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम एक्टिव पावर, जो इमेजिन पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम ऐसे निकालेंगे। वोल्टेज गिवन कितनी गिवन है भाई, 200 प्लस j40। करंट कितनी गिवन है भाई, करंट गिवन हमारे पास 30 माइनस 10। तो 30 माइनस j10 का कॉन्जुगेट, जब हम कॉन्जुगेट करते हैं तो कोई चीज अगर प्लस जे होती है तो माइनस जे हो जाती है, माइनस जे तो प्लस जे हो जाती है। तो ये अंदर बाहर माइनस जे थी, इसको प्लस कर लेंगे, कॉन्जुगेट हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, प्लस जे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 200 इंटू ये 6000, 200 इंटू ये 2000 से लिखा ना मैंने, हाँ ठीक हो गया। ये इंटू ये 1200 और ये इंटू ये -400। तो 6000 -400 कितना हो गया, 5600 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 3200 हो गया। तो रियल पार्ट पी ए क्यू, तो पी कितना हो गया, 5600 वोट, और क्यू कितना, 3200 VAR। आंसर कितना हो गया, ये आंसर हो गया आपका। अच्छा, सी और डी में एक आंसर है। अब हमें नहीं पता है कि ये एक्टिव है या रिएक्टिव है। देखते हैं, यहां पे जो रिएक्टिव पावर आ रही है आपकी पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव रिएक्टिव पावर मतलब आपका इंडक्टिव है, क्योंकि अगर रिएक्टिव पावर प्लस है, रिएक्टिव पावर प्लस होती है इंडक्टर के लिए, और रिएक्टिव पावर माइनस होती है कैपेसिटर के लिए। क्यों, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए उसकी यहां पर रिएक्टिव पावर पॉजिटिव आएगी, और कैपेसिटर रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन उसकी रिएक्टिव पावर क्या आती है, माइनस आती है। अगर यहां पर साइन माइनस आया होता तो ये आपका कैपेसिटिव होता, बट ये प्लस आ रहा है, प्लस मीन्स अगर क्यू पॉजिटिव है तो आपका इंडक्टिव फॉर्म आ रही है इसके अंदर, अगर क्यू नेगेटिव है तो कैपेसिटी फॉर्म आएगी। तो आंसर हो गया आपका डी वाला। अच्छा, नेक्स्ट है 260 क्वेश्चन। 260 क्या, थ्री इंपेडेंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन डेल्टा। आपके पास तीन इंपेडेंस है, तीनों इक्वली है शायद, आर कनेक्टेड इन डेल्टा, देन सेम इंपेडेंस आर कनेक्टेड इन स्टार अक्रॉस द सेम सप्लाई। तो देन फेस करंट इतनी होगी, लाइन करंट इतनी होगी, पावर कंज्यूम बाय कितनी, थर्ड विद द प्रीवियस, इसको निकालते हैं। हमारे पास क्या इंपेडेंस है, इंपेडेंस सर आर आर मान लेते हैं, पहले आपने उसको डेल्टा में कनेक्ट करा है, फिर आपने उसी को स्टार में, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो कितनी पावर कंज्यूम हुई उसको निकालते हैं। आपके पास लगवा लेते हैं इंपेडेंस है, तीन है, आर आर और आर, ठीक है, आर आर और आर, सप्लाई वोल्टेज होगी वीएल, लाइन वोल्टेज। तो अभी सिंगल फेस ये कितनी पावर लेगा, वीएल का स्क्वायर अपॉन आर, और थ्री फेस मिला के कितनी पावर लेगा, इसका तीन गुना, थ्री वीएल का स्क्वायर अपॉन। अब आपने यह करा, इस आर 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 को डेल्टा में ना बना के स्टार में बना लिया, लैंग्वेज यही बोल दी, यहां पर ध्यान देना है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करा है आपने, बस उसी को तोड़ के हमने किसमें बना दिया, स्टार में बना दिया आर आर। तो अब कितनी पावर लेगा वो निकालना है, तो यहां लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज यहां पर आएगी आपकी फेज वोल्टेज।
ठीक है, तो सिंगल फेज कितनी पावर लेगा, V स्क्वायर अपॉन R, V कितनी फेज वोल्टेज, Vp स्क्वायर अपॉन R, टोटल थ्री फेज कितनी पावर लेगा, 3 इंटू ये Vp स्क्वायर अपॉन R। तो देखते हैं, इस 3 को रूट के अंदर बना लेता हूं मैं, तो ये 3 Vp का स्क्वायर अपॉन R हो गया, तो Vp इंटू रूट 3 क्या बन गया, VL, कितना है VL का स्क्वायर अपॉन R। ये पावर कब है, जब हमने किस में लिया उसको, स्टार में। ये पावर कब है, जब हमने क्या लिया उसको, डेल्टा में। तो आप देखोगे जो आपकी डेल्टा में पावर है वो थ्राइस टाइम्स ऑफ स्टार पावर की हो जा रही है, तीन गुना है। देखो ना, यहाँ पे 3 VL स्क्वायर अपॉन आ रहा है, यहाँ पे VL अपॉन आ रहा है, और आप सकते हो स्टार में जो पावर है वो एक तिहाई ऑफ डेल्टा की पावर के बराबर है। मतलब इस केस में ये ज्यादा पावर कंज्यूम ये करेगा, और जब आप इस केस में ले आओगे तो जो उसकी पावर है 1/3 टाइम्स क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी वाला। तो 260 का आंसर हो गया सी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 261, अ करंट थ्रू अ एसी सोर्स बाइफरकेट इनटू टू ब्रांचेस ए एंड बी। 261 क्वेश्चन है, दो ब्रांचेस हमारे पास ए और बी। ए ब्रांच में क्या है, एक इंडक्टर लगा है और एक रजिस्टर लगा है। दूसरी ब्रांच में भी एक इंडक्टर लगा है बी ब्रांच में, और एक रेजिस्टेंस लगा है। पहली ब्रांच के इंडक्टर का इंडक्टेंस गिवन है 30 माइक्रो हेनरी, उसका रेजिस्टेंस गिवन है हमें 1 ओम। मतलब ये L1 और ये R1 है, ये L2 और ये R2 है। इसका एलिमेंट गिवन नहीं निकालना है, इसको L बोला है इसने, और इसमें 1.5 ओम है, और यहाँ पे आपकी सप्लाई है, बोला है फॉर द रेशियो करंट्स ब्रांच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, यहाँ मतलब करंट I1 है, करंट I2 है, इसका जो रेशियो है I1/I2 जो भी आएगा वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, उस केस के लिए हमारा उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसको देखते हैं कैसे होगा। देखते हैं पहले यहां करंट निकाल लेते हैं, वोल्टेज V है, तो करंट कितनी होगी, I1 होगी, मैं डायरेक्टली मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, आर स्क्वायर, आर वन का स्क्वायर प्लस ओमेगा L1 का स्क्वायर, ठीक है, तो गे ना V अपॉन जेड, और जेड हो गया अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर। I2 V अपॉन अंडर रूट R2 का स्क्वायर प्लस ओमेगा L2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब रेशियो ले लेते हैं, जब रेशियो आप लोगे तो VV कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, VV कैंसिल, तो नीचे वाला भाग ऐसा आएगा ना, V अपॉन अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा L1 का स्क्वायर, V अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस ओमेगा L2 का स्क्वायर, VV कैंसिल ऊपर आ जाएगा, R2 का स्क्वायर प्लस ओमेगा L2 का स्क्वायर, नीचे R1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा L1 का स्क्वायर, ठीक लिखा है मैंने। अब एक काम करते हैं, यहां से R2 भार को लेते हैं, यहां से R भार को मिल लेते हैं, कितना जाएगा R2 अपॉन R1, अंदर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा L2 अपॉन R2 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा L1 अपॉन R1 का स्क्वायर, सही लिखा है मैंने। अब देखो, अगर ये टर्म फ्रीक्वेंसी डिपेंड हो रहा है, अगर ये टर्म और ये टर्म आपस में सेम हो जाए तो ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, और जो I1 अपॉन I1 का जो रेशियो है ओवरऑल इसका आ जाएगा R2 अपॉन R1 के आ जाएगा। तो मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाए, ठीक है। तो मतलब क्या, ओमेगा L2 अपॉन R2 इज इक्वल टू ओमेगा L1 अपॉन R1 हो जाए, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, L2 अपॉन R2 मतलब L1 अपॉन R1 हो जाए, तो उस केस में हमारा ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन है कि मतलब क्या, L1 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन R2 होना चाहिए, उस केस में करंट का जो रेशियो है इसका इंपॉर्टेंट चाहिए,
ये कई बार एग्जाम में ऐसी भी आ सकता है, मैंने सिर्फ डायरेक्शन करा दिया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वैल्यू डाल लेते हैं, कितनी है 30, आर वन कितना है 1, एल टू निकालना है वो कहता है 1.5, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आ गया, ये आ गया 45, 1.5 30, 45 माइक्रो हेनरी आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है 262 क्वेश्चन, 262 वाला, 3 इंडक्टर्स ऑफ 60 मिली हेनरी, 2 इंडक्टर्स ऑफ 60 मिली हेनरी आर कनेक्टेड इन डेल्टा, आपने उनको डेल्टा में कनेक्ट किया है, तो अब फिर आपने उसका स्टार में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है, तो उसका इक्वेशन कितना होगा, डेल्टा से स्टार जाने में रेजिस्टेंस और इंडक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, डेल्टा से स्टार जाने में रजिस्टर और इंडक्टर वैल्यू क्या घट जाती है, डिवाइड बाय 3 हो जाती है, तो वहां कितना है 60 मिली हेनरी, डिवाइड बाय 3 किलो कितना 20 मिली हेनरी हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हो गया सी, तो 262 का आंसर हो गया सी वाला। नेक्स्ट है 263 क्या बोल रहा है, 2 कपल्ड कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज हैव इक्विवेलेंट इंडक्टेंस 6 मिली हेनरी एंड 8 मिली हेनरी, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, आपके पास दो इंडक्टर्स है, ठीक है, एक L1 है एक L2 है, कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा इनके बीच का M, ठीक है, तो जो L इक्विवेलेंट होता है हो सकता है L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। अभी प्लस कब होता है, ये प्लस तब होता है अगर ये एडिटिव पोलैरिटी होगी, प्लस तब होता है, इसके दो फॉर्म हो सकते हैं, तो L1 प्लस L2 प्लस 2SM कब, जब क्या होगी, एडिटिव पोलैरिटी होगी, ये इलेक्ट्रॉन तब होगा, और L1 प्लस L2 माइनस 2M कब होगा, जब ये क्या होगी, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, दोनों हो सकती है, ठीक है। तो एक केस में क्या बोल रहा है कि ये 60 मिली हेनरी है, ठीक है, और दूसरे दोनों इक्विवेलेंट है, तो दोनों सेम ही है, दोनों इंटर आपस में सेम, मतलब कितना L1 इक्वल टू कितना है आपका, L2 भी है, एक केस में 16 मिली हेनरी, एक केस में 8 मिली हेनरी है, तो वह डिपेंडिंग कनेक्शन 16 किस केस में होगी और 8 किस केस में होगी, देखो 16 जब एडिटिव पोलैरिटी रही होगी तभी 16 इक्विवेलेंट इसका बन रहा होगा मिला के, और जब भी 8 मिली हेनरी तब रही होगी जब ये एडिटिव पोलैरिटी हो रही होगी, कुछ नहीं होता है, अरे वो अभी ये एडिटिव पोलैरिटी चल रही है, देखोगे तो आप करंट यहां से एंटर करिए, एडिटिव यहां से एंटर करिए, अगर आप सब घुमा दोगे तो ये क्या बन जाएगी, सब्ट्रैक्टिव बन जाती है, तो सिर्फ एडिटिव सब्ट्रैक्टिव में कुछ अंतर नहीं, खाली अगर आप कॉइल को घुमा दोगे तो एडिटिव सब्ट्रैक्टिव बन जाएगी, तो जब एडिटिव थी तो कितना बन रहा है इसका, 16 बन रहा है, और जब सब्ट्रैक्टिव कितना बन रहा है, 8 बन रहा है, हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है, और गिवन है कि L1 इक्वल टू कितना है आपका, L1 है, दोनों सेम है, तो पुट करते हैं L L, तो L प्लस L 2L हो जाएगा, इनको ऐड कर लेते हैं, 2L प्लस 2M इक्वल टू कितना हो गया 16, और L प्लस L 2L माइनस 2M इक्वल टू कितना हो गया 8, हमें निकालनी है M की वैल्यू, तो दोनों को काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन ये कैंसिल, ये ऐड हो गया 4M, ये हो गया 8, तो M इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 2 आंसर आ गया 2 मिली हेनरी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ गया 2 मिली हेनरी, तो इसका आंसर कितना हो गया 263 का आंसर हो गया डी वाला, तो 263 का आंसर हो गया डी वाला। ध्यान देना है अगर एडिटिव पोलैरिटी है तो बढ़ेगा, सेपरेट पोलैरिटी है तो आपको घटेगा, अंतर सिर्फ कितना होता है एम और 2m प्लस का 2m माइनस वाले का, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 263, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 264 वाला। 264 क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपके पास दो सर्किट है इंडक्टेंस वाले, वोल्टेज कितनी है 100 वोल्ट, ये कितना है 100 मिली हेनरी, करंट यहां पे I1 होगी, यहां पे ऐसा है, यहां पे ये 200 मिली हेनरी हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा आपको M है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट क्या है A है आपका, यहां से लेके इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज दे रखी है 70 दे रखी है, ए और बी के बीच की डिफरेंसिव वोल्टेज कितनी है 70 होगी, तो बोला है हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालो, ठीक है। अच्छा
तो यहां देखते हैं, यहां करंट होगी I1, यहां वोल्टेज VA, अच्छा VA माइनस VB, VA माइनस VB तो देखा आपको 70, सो लिखते हैं VA माइनस VB इज गिवन 70 वोल्ट, VA तो 100 है, हमें VB निकालना, VB कितना हो जाएगा, VA माइनस 70, मतलब क्या 100 माइनस 70 कितना हो गया 30 वोल्ट, तो यहां वोल्टेज कितनी होगी, वोल्टेज होगी 30 वोल्ट, नंबर वन। अच्छा अब यहां पे करंट है I1, ठीक है यहां करंट I1 है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगी क्योंकि बिकॉज ये सर्किट ओपन है, यहां वोल्टेज तो एग्जिस्ट कर रही है, वोल्टेज तो एग्जिस्ट कर रही है बट करंट कुछ नहीं है यहां पे, तो करंट यहां पे कितनी होगी, जीरो, नो करंट। अच्छा अब यहां पे वोल्टेज निकालते हैं, कितनी वोल्टेज होगी यहां पे, तो यहां देखो केवल लगाते हैं तो हो जाएगी 100 इक्वल टू 100 माइनस जे ओमेगा L1 into I1 इक्वल टू जीरो। म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज बगल वाली ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है, तो 100 इक्वल टू कितना हो गया, जे ओमेगा L1 into I1। इसके बाद अब यहां देखते हैं, यहां वोल्टेज क्या है, जो 30 वोल्टेज है वो यहां तो कोई वोल्टेज कोई करंट नहीं है बट म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, यहां पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसकी करंट की वजह से यहां पे आपको एक वोल्टेज मिल रही है, इसका फ्लक्स यहां लिंक कर रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से आपको यहां पे वोल्टेज मिल रही है, तो जो वोल्टेज होगी आपकी 30 इक्वल टू आपकी आएगी जे ओमेगा एम इंटू आई वन आएगी, क्योंकि इस करंट की वजह से फ्लक्स बना और इस फ्लक्स की वजह से यहां पे ईएमएफ आपको मिल रहा है, तो 30 इज इक्वल टू इस म्यूचुअल इंडक्टेंस रिएक्टेंस के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहां से आई वन की वैल्यू कितनी है कि आई वन आ गया 30 अपॉन जे ओमेगा एम, इसको यहां पुट कर लेते हैं तो जे ओमेगा एल वन इंटू 30 अपॉन जे ओमेगा एम, तो जे ओमेगा कैंसिल हो गया, ठीक है ये हो गया 100, 100 एल वन कितना गिवन है भाई, ये 100 गिवन है, 100 मिली हेनरी, ये 30 गिवन है ऊपर और ये हो गया एम, 100 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 30 ऐसी रह गया, एम ऊपर आ गया, किस कहां से कितना आ गया 30 मिली हेनरी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो आंसर आ गया कितना 30 आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 264 का आंसर हो गया ए वाला, इसका आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है 265 क्वेश्चन है, क्या मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड वैल्यू ऑफ कॉफिशेंट ऑफ कपलिंग, कॉफिशेंट ऑफ कपलिंग की जो वैलिड वैल्यू है वो क्या है इनमें से, ऑप्शन दे रहे हैं आपको, पहला ऑप्शन है 1.414, फिर है 0.9, फिर है 1.732, लास्ट 70.32। जो कॉफिशेंट ऑफ कपलिंग होता है, के जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है और 0 से ज्यादा होती है, इसी के बीच में होती है ना, इसको पार नहीं कर सकती है, तो कौन सा इसका ऑप्शन मैच खा रहा, ऑप्शन नंबर बी 0.9 हो सकती है, बाकी सारे ऑप्शन 1 से बड़ा है, ऑप्शन नंबर की काफी गलत हो गए। लास्ट क्वेश्चन है 266, क्वेश्चन क्या बोला आपका, डायग्राम आर निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको आर, ये आर, फिर ये आर है, 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 ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 5 ओम है, हमें निकालना इसका आर कौन कितना होगा, ठीक है कैसे निकालते हैं देखते हैं, पहले ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, 6 और 3 पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में हो गए, क्या मिल गया 1 और 5 6 बन गया, ये दोनों पैरेलल में, 6 और 3 पैरेलल में कितना हो जाएगा 18/9 2 हो गया, तो ये 2 हो गया आपका है, ये बन गया 2 और ये 2, तो 2 और 2 कितने हो गए आपके 4 हो गए, तो 6 और 4 पैरेलल में कितना 24/10, तो ये मिला के कितना हो गया 24/10 हो गया, फिर ये सारे क्या आ गए आपस में सीरीज में आ गए 4 + 24/10 + 8, तो पहले 8 4 को ऐड कर लेते हैं 12 + 24/10 डिवाइड कर लो तो 2.4 हो गया, कितना आ गया इसका आंसर 14.4 ओम, इसका आंसर कितना हो गया 14.4 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ओके देन आज के लिए इतना ही, आज लगभग हमने 20 से 21 क्वेश्चन सॉल्व करें, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे होते हैं, ठीक है इन क्वेश्चन के जो
पीडीएफ फॉर्म है वो आपको जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने से क्या होगा, आपका ये आपको मतलब एडवांटेज क्या है कि आपको क्वेश्चन डेली क्वेश्चन मिलते रहेंगे, साथ साथ अगर आपके अपने कोई डाउट्स हैं तो आप उसको वहाँ पे पुट अप कर सकते हो। ठीक है, ओके देन, आज को ये फिर आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।